उत्तराखंड की हर खबर, सरकार के कामकाज पर रहेगी पैनी नजर। विकास की रफ्तार का क्या है हाल? भ्रष्टाचार के मुद्दों को करते रहेंगे उजागर। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर खासा जोर। सिर्फ यहाँ तो देखते रहिए हिमालय न्यूज़। नमस्कार, उत्तराखंड का पहला वेब चैनल हिमालय न्यूज में आपको स्वागत। मिछ हम प्रदीप बेदवाल और आज हमारा दगड़ छिन गढ़वाली का कवि राजेंद्र बाबू धस्माना जी। धस्माना जी बहुत बहुत स्वागत है आपको। धन्यवाद धस्माना जी। गढ़वाली कविता की प्रेरणा आप थे कख बटे मिल और आपको गांव कोच? बेदवाल जी मेरे गाँव जेरखा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम घिटुल गाँव। मेरा जन्म बम्बई में हुई है और मिथे प्रेरणा आदरणीय उत्तराखंड रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी से मिल। उनका गीत सुनदा सुनदा मिल भी कविता लिखन शुरू करी। कविता लिखन शुरू कर दी। कोई पहली कविता जो पहली बार आपने लगो कि हाँ मेरे भीतर भी एक कवि है, मैं भी कविता लिख सकता हूँ, कोई यन यादगार क्षण कोई? जी 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 निश्चित सुनो लाभ है। जन माँ को दुख ये भी से पहले कवि। फल की डाली माँ फूल ए वो फूल छोट सी फलवैणी। जर जरा के बड़ दुरे वो चंचली गगरण बनी। सोच डाल दिल जवान हुए गए अपड़ी दानी ब्यो करी। मी बुढ़ापम सुख्त दिलू माल स्याणी धो करी। ब्यो करी फल गए झड़ी टुटगी अलग हुए गए अरे डाली ये खुली रहे। बहुत को बहुत को अरे डाली ये खुली रह गए। बहुत बेहतरीन रचना, बहुत सुंदर लेके आपने। आपने कविता लिखना कब शुरू करी, कब बटे शुरू करे आपने कविता लिखनी? कविता लिखण मिल सन 1992 में शुरू करे छे। जब स्कूल में नकल चले छे तो वे भी सफर पहले गीत में और नकल छे जी। हम सुनना चाहला, हमारा दर्शक सुनना चाहला कि के छौ गीत वो इंदा याद तनीच। फिर भी द्वी चाले नगर आप तनी याद वेलत स्कूल का। हां ये बुरी बुरी सीख फैली स्कूल में आजकल नकल 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 नकल। बहुत खूब आपने वे टाइम की जो व्यवस्था छे नकल व्यवस्था वे पर करारो व्यंग्य छौ। आज की जो हालात छिन, आपकी जो प्रचलित कविता है जहाँ आप मान सकते हैं कि ये मानक कविता है आपकी, क्या कविता है सकते हुआ? बेदवाल जी में प्लान पर चोट कर दी एक रचना सुनो उड़ान दो पहाड़। उड़ान दो पहाड़ स्वागत जी। दिल्ली बम्बे उड़े पहाड़ ये बताऊ माँ, ये बताऊ माँ बूंदे को ये बताऊ माँ। बूढ़े बूढ़िया हिरया पहाड़ा गाऊ माँ, पहाड़ा गाऊ मारया पहाड़ा गाऊ माँ। नौकरियों का बान भैर गए ते शहरी हुए, नौकरियों का बान भैर गए ते शहरी हुए। अरे पहाड़ माँ एक मौ की गिनती ठहरी गए। नाम देखे जादू कभी हुदा चुनाव माँ। बहुत को बहुत को बूढ़े बूढ़िया हिरया पहाड़ा गाऊ माँ। बिना मन क्यों ती पूरा घर खंदवारे हुए गनी, बिना मन क्यों ती पूरा घर खंदवारे हुए गनी। अरे पटला जात भीतर दरजू ताला छे छिनी, पटला जात भीतर दरजू ताला छे छिनी। चौक मा दुबुल जम्यू अकड़ा ठाऊ माँ। अरे बूढ़े बूढ़िया हिरया पहाड़ा गाऊ माँ।
एक गाँव को मनिख कम सो दानू बुढ़िया गए, एक गाँव को मनिख कम सो दानू बुढ़िया गए। अरे मण घट मली जानो ध्याड़ी माँ काठा डूट्यावे कै, अरे मण घट मली जानो ध्याड़ी माँ काठा डूट्यावे कै। नौनू एच रेच बे माँ चाचा ताऊ माँ बूढ़े बुढ़िया हिरया पहाड़ा गाँव माँ। अरे दिल्ली बॉम्बे उड़े पहाड़ ये बताऊँ माँ, ये बताऊँ माँ बूंदे को ये बताऊँ माँ। बहुत खूब दसमाना जी, बहुत करारा व्यंग किया आपने, बहुत शानदार तरीके से आपने ये बात बोली कि पहाड़ का लोग कक कक पहुंच गिनर गांव की हालत क्या है। जो आपन बताए कि वक्त जो कोई आदि मोर जान दे तो वे एक अंतिम संस्कार में कितना दिक्कतें आ दी, बिल्कुल आज की हकीकत यह है पहाड़ की। और के विषय छे आपका पहाड़ पर जो अपन लेख छिन गढ़वाल पर? पहले धन्यवाद विद्वाल जी। एक नई चीज सुन ला था पुराण ठंगरो पुराण। अरे नए लगुली का सार चा पुराणु ठंगरू, पुराणु मगर दमदार चा अबिरे भंडा घरू। वो कत गए ककड़ी कत गए गोदड़ी बरसु बटे की खलानु ठंगरू, कभी चचिंडा कभी लौकी करेला हम तुम ते की चखाणु ठंगरू। ने तूवा को फिर तैयार चा फल मीठू अर चरु हो, पुराणु मगर दमदार चा अबिरे भंडिया घरु वो। दगड़ मके घे टे गए टूटी गए मिटी गए सब देखणु चा ठंगरू, चौ छोड़ी हथ दी दा लगलू को थमुणा को हथ झुकणु चा ठंगरू, पर दगड़ी लाचार चा लगली धर धरु हो, पर दगड़ी लाचार चा लगली धर धरु हो। अरे पुराणु मगर दमदार चा अबिरे भंडिया घरु हो। ये कब तक लास्ट बन? पुराने गए अरे सुखी गए दुखी गए परच खड़ू यो बाजकु ठंगरू, पुराणों गए पर पुराने गए अरे सुखी गए दुखी गए परच खड़ू यो बाजकु ठंगरू। गद माया जन सो कची उमर को, गद माया जन सो कची उमर को लटके गए जो का चूचे ठंगरू, बर मस्याही फलदार चा बन गए ठंगरू तरु वो, बर मस्याही फलदार चा बर मस्याही फलदार चा बन गए ठंगरू तरु वो। अरे पुराणु मगर दमदार चा अबिरे भंडिया घरु वो, अबिरे भंडिया घरु वो। बहुत खूब बहुत खूब। वाकई में पुराण ठंगरू जी का दमदार तो दमदार या कविता भी से। और सबसे बड़ी बात यह कि पुराना कवियों में आपन कौन कौन थे पाड़ी, कौन कवि से आपसे पाड़ी की प्रेरणा मिली? जी मेरा आदरणीय तो नरेंद्र सिंह नेगी जी छन, उसके बाद डॉक्टर जगन्मोहन प्रसाद कोटनाला, हरिश्वर कुटर जी, नेत्र सिंह असवाल जी और कन्हैयालाल डंडेलाल जी। यूं की प्रेरणा भी मिल पहाड़ियों थे पहाड़ मिले, यूं सहायता भी यूं को साहित्य को आपने अध्ययन करी और आप लिखना चाहें और कोई दूसरी विधा दूसरी कोई कविता जो आपने आज का परिप्रेक्ष्य में लिखी? साथ एक ई व्यस्त पर चोट कर दी हाथ फूल पर एक गीत सुनोल कविता सुनोल। हाथ दिए कि फूल दिए कि तो की घुदा घूल देखी, हाथ दिए कि हाथ दिए कि फूल दिए कि तो की घुदा घूल दिए कि फूल दिए कि हाथ दिए कि जंत मरी छाप देखी, एक हाथ फिर पड़ गए उत्तराखंड को माथा, एक हाथ फिर पड़ गए उत्तराखंड को माथा, हाथी की लात संग पड़े यू के डी को चाटा। अरे कभी निखे कभी निखे मकड़ो तेरी फटली का माछा, मकड़ो मतलब सरका। विकास है कबान हमल जीत की फटे जीत लुकी कूण देरा दून जुगा हुई,
जनता बिचारी की रही नजर लगी बाटा और पांच सालों में देखे बढ़िया मोटा मोटा कभी निखे कभी निखे मगलो तेरी फटे बहुत को पांच सालों में देखे नी बढ़िया मोटा मोटा बेरोजगारों ते लगी छे रोजगार आस बेरोजगारों ते लगी छे रोजगार आस यूं के कोरी घुसना से हरियुआ निराश सत में बैठूणी दिनी नौकरियों का झांसा सत में बैठूणू दिनी नौकरियों को झांसा अरे सत पे की बोली कक्ष नौकरी रे लाटा कभी निखे मकड़ो तेरी फटेरी का माचा स्वर्ग जन उत्तराखंड क्या नरग बण्यो चा स्वर्ग जन उत्तराखंड क्या नरग बण्यो चा अरे भितर खंड भरण वालों से चबट ठगियों चा विकास रुपयों का यख लगी गैनी बांठा विकास रुपयों का यख लगी गैनी बांठा और एक हिस्सा अफसरों को एक नीतों पासा और कभी निखे मकड़ो तेरी फटरी का माचा लोकतंत्र नाम से खुली चिया दुकान लोकतंत्र नाम से खुली चिया दुकान विकास बात बेच की खरीदी मतदान और जनता पर लगाई झूठा वादों को तमाचा प्रदेश पर पड़िया ची घूस कमीशन का साँचा और कभी निखे मकड़ो तेरी फटरी का माचा बड़ी विचित्र स्थिति है कि जब भ्रष्टाचार ईदगा बढ़ जाद ईदगा पनप जाद भ्रष्टाचार तो कभी थन कलम उठान पड़द लिखन पड़द कि पाँच साल में लोग ईदगा मोटा हुए कि नहीं सरकारी पैसा खाए कि ईदगा जो है कि घुल घुल मचीन से दसमाना जी ने अपनी कविता में यह बात रही कि लेकिन दसमाना जी एक जो गढ़वाल को जो स्वरूप है खासतौर पर हम चाहते हैं कि प्रकृति से जुड़ी हुई कविता हुई आपकी गढ़वाल जी में जक घुगती बस दी चोली मिठी चा कपू हिलास की बोली जक बन बन की काडा जकी चौ छोड़ी देखो हरिया चलो रे चलो मेरा गढ़वा चलो रे चलो मेरा गढ़वा सुंदर पर कीर्ति को खजानू मन खित क्या जब तोन विमानू सुंदर पर कीर्ति को खजानू मन खित क्या जब तोन विमानू चलो रे चलो मेरा गढ़वा चलो रे चलो मेरा गढ़वा कभी धैय लगाणु कभी आह्वान करणु कि मेरा गढ़वाल चलो जख प्राकृतिक संपदा भरपूर छ जख की खूबसूरती छ और जख की जीवन में जो कि कला और संस्कृति जो छ कल कल वख बगणी रहती तो कभी आह्वान करणु कि वे गढ़वाल चलो और कोई कविता जो आप आज का परिप्रेक्ष्य में बताना चले जी एक और व्यंग सुनो लो अरे जौल धारू बोला विकास करौला अरे खैकी छक बण्या ची भैजी मलासी की नौला अरे भैजी क्या कन तब तैलिया मैलिया खोला अरे लोग हो या औला तैलिया मैलिया खोला लोग हो या औला अरे गाँव गलिया में जब पड़ी नी कमीशन का गोला अरे भैजी क्या कन तब एगरे चुनाव नेतों का खुट्यों माची हाथ एगरे चुनाव नेतों का खुट्यों माची हाथ जीत की चुनाव मर दिनी खोपड़ी मालात नोटों का कोला अरे भर भरी की थोला अरे देश को विकास पैसा विदेशों मा धोला अरे भैजी क्या कन तब सत कुपाल भी टूट गए दिखे गए अंगूठा प्रसाद चंद्र लाल कुमार हरेक सिंह जी झूठा बाजी दमो ढोला अरे खुली गैनी पोला नी बजनी शंख सुखी गैनी गोला अरे भेजी क्या कन तब चौछड़ी गरीब की कुगत घूणी चा है सिणी ने तो मुखड़ी गरीब रूणी चा चौछड़ी गरीब की कुगत होनी चा है सिणी ने तो मुखड़ी गरीब रूणी चा नेता मस्त मौला बण्या छी फुटबोला जनता अदमरी हुई चा मैं गो है गए मोला
अरे जी ये क्या करना तब देश माच तलू है गए आम जन हमारो भ्रष्टाचार मिटाना को लगाना छोयो नारो लाठी छतरी झोला पेटे धरणी रोला अरे भ्रष्टाचारी यूं इज्जत अब इन्हें होला अरे भैजी क्या कन तब बहुत को बहुत सुंदर भैजी क्या कन तब कितना विडंबना चाहिए कि जो लुखुन विकास की बयार बहाण छे जो लुखुन की विकास की गंगा बहाण छे वो लोग तो मस्त मौला वे की ने और गरीब आदमी जो जनता जनार्दन छे वह और निरीह हो वे की उनकी स्थिति बहुत खराब छे। बहुत सटीक आपने व्यंग करी आज की जो व्यवस्था पर आज की जो गढ़वाल पर और जो आज राजनेताओं ने जो 5 सालों में अपनी सकल देखा दिन एक बात फिर दिल्ली और देहरादून जुगा वे जन उन पर आपने बड़ो करारा व्यंग करी और कुछ रचना जो आप तन लग दिन की ये मौका पर आपने बताना चाहिए जी। मैं एक माँ को दुख सुनो जो मिल उल्लेख पहले विकास सिंह रचना को फल की डाली माँ फूल ऐ वो फूल छोट सी फल बनी जर जरा के बड़ दुरे वो चंचल गगरण बनी सोची डाल दिले जवान हुए गए अपड़ी दानी ब्यो करी मी बुढ़ापम सुकद देलू माल स्याणी धो करी ब्यो करी फल गए झड़ी टुटकी अलग हुए गए अरे डाली यखली रे मैनु तक पेट मसैकी बोटी डाली डाल्युमा मैनु तक पेट मसैकी बो की डाली डाल्युमा अर तुई खूणे की घोल के अर खैरी खे तेरी हाल्युमा सुईली पीड़ा से छुचा अर छोप धैरी तुई उंद सुईली पीड़ा से छुचा अर छोप धैरी तुई उंद द्वि फकुड़ ऐ गए तो बुएल ब्यो करी तू गए उंद फुर उड़े गए सैणी लेक तू घोल छोड़े गए अर चखली अखली रे दानी बुढ़ी भूखती सी बैठी रांदी देरी पर दानी बुढ़ी भूखती सी बैठी रांदी देरी पर और दूर चल गए नौन बुआरी जू जलांदी रात भर जड़ी हुए की भीनी जड़ी हुए गांव में रांड हुए दिन जड़ी हुए की भीनी जड़ी हुए गांव में रांड हुए दिन वे खुणे की ब्यो करी मी बुआरी तैलियों जय दिन दी सटक गए छोड़ी मी अपड़ू बिरण हुए गए अरे बुढ़ी अकली रहे बहुत सुंदर बहुत सुंदर। एक अंतम व्यंग छ आज का नौनूल क्या सीख्या लियो उल्टू चलन आज का नौनूल क्या सीख्या लियो उल्टू चलन वे बबू से दूर रहनु अपड़ो खाणु अपड़ो ढंग माँ की ममता भूल गए जो तुम खुणे भी इन हुया माँ की ममता भूल गए जो तुम खुणे भी इन हुया तुम रभी तुम तय बुडेंदा इन छोड़ा तुम भी रुया छेंदी औलाद दिख खजानी खुचली खाली छे यकलिया यकली रे बहुत सुंदर बहुत बेहतरीन कविता आपने लिखी है गढ़वाल जी माफर मित हिंदी का शायर मुनव्वर राणा याद अंदिन जो माफर बहुत अच्छी कविता लिखते हैं ये फिर भी तो याद अंदिन महेश तिवारी जी कि लूली का की के कुतै जो गलनी चाहे तो सुनी तिवारी। तो आपने इन तमाम जो माफर जो आपन कविता लिखी तमाम कवियों की याद दिला दी और कुछ संदेश गढ़वाल का लुकू थे उत्तराखंड का लुकू थे एक संदेश जरूर देना चाहूँ आज हमी व्यस्त से वाकई बहुत त्रस्त छो एक कुछ लाइन सुहा चौन में पंक्ति भ्रष्टाचार पर छो ऐ गए भगत गैरी निंद मा सी जनता ते जगान को अरे भ्रष्टाचारी दैत तेजे परदेश से भगाना को भ्रष्टाचारी एक मौका फिर बिचा इज्जत तेरी अब गिर बिचा अरे क्या च मौका सुन तेरी माँ सरस्वती माँ अर्जिचा के झूठ बोलनो छोड़ झूठों का झंडा डंडा तोड़ अरे कर ले ढंग से जीना को जंक जोड़ अरे गाड़ी अपड़ी सह सचे का दगड़ मोड़ नथरी दूर तक होली तेरी लंबी दौड़ा दौड़ अरे दगड़ माहौल तेरा पापों को भंडा फोड़ भ्रष्टाचारियों खुणे चितली धाद लगान को अर मानी जाओ रे बोलूं धस माणा को अर मानी जाओ रे बोलूं धस माणा को अरे भंडा फोड़ होलू भंडा फोड़ भ्रष्टाचार मिटाना की कसम खींच या बड़ी भ्रष्टाचारियों की आण वलच आखरी घड़ी होलू भंडा फोड़ बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आपने चिताए आपने आह्वान कर कि अभी भी वक्त समझ जाओ इतर जनता जनार्दन में इत गबड़ी ताकत कि वो भंडाफोर कर दे
बहुत सुंदर दसमाना जी, माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहन, आप यानी कविता लिखना रहन, गढ़वाली साहित्य की सेवा करना रहन, और आप और बेहतरीन लिखें, आप दीर्घायु हैं, आपकी लेखनी में सरस्वती की कृपा बनी रहे, आप और बेहतर लिखें, आप ना हिमालय न्यूज़ के लिए टाइम निकाल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वेदवाल जी, और हिमालय न्यूज़ को भी आभारी छूँ जो मित्र मौका दे, बहुत बहुत धन्यवाद।